हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, स्टार्टअप के टाइम पर हर किसी के पास पैसा नहीं होता और अच्छा वॉइस क्वालिटी के लिए अच्छा माइक भी चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि एक माइक ही खरीद लूँ, तो मैंने ये माइक परचेस किया फ्लिपकार्ट से। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं और इसका साउंड क्वालिटी आपको चेक करके बताऊँगा कैसा इसका साउंड क्वालिटी मिलता है। फिलहाल तो इसका प्राइस 200 रुपया है, आप खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलो इसका क्वालिटी आपको चेक करके बताता हूँ कैसा इसका क्वालिटी है साउंड का। सबसे पहले खोल लेता हूँ उसको, तो यहाँ से ही खुल रहा है। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा माइक। और ये रहा माइक, तो आप ये देख ही सकते हैं कैसा ये माइक। तो मैं खोल लेता हूँ अंदर से। तो चलो इसको मैं एक बार इसको ट्राई करके इसका साउंड क्वालिटी आपको एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ। एंड सो दोस्तों, अभी जो रिकॉर्ड हो रही है वो इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है, तो इसका साउंड क्वालिटी आपको पता चल रहा है कैसा है। तो आपको ऐसा ही साउंड क्वालिटी मिलने वाली है अभी 200 रुपीज़ में, इससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा। अब देखो, जो अगर आप बोया का माइक ले लेंगे, बोया MM1 वाला जो माइक है वो ले लेंगे, तो आपका बैकग्राउंड का जो नॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ये माइक सिर्फ आपका वॉइस को रिकॉर्ड करता है, बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल नहीं करता। ये नॉर्मल वाला माइक है, 200 रुपीज़ में इससे बढ़िया क्वालिटी साउंड क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाला। तो जो भी है, जो स्टार्टअप कर रहे हो, तो उनके लिए भाई ये माइक एकदम सही है। 200 रुपये में एकदम बढ़िया माइक है, तो उसे खरीद सकते हो। इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना बस।